हेलो दोस्तों, द कॉपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे रिको 2014D के बारे में। मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, प्रिंटर अलाइनमेंट का। तो कैसे ठीक करते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम काउंटर पेज निकाल लेते हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए मेरा काउंटर पेज बाहर आ रहा है। ये सामने देखिए, इसमें जो रीडिंग का जो अलाइनमेंट है, लाइनिंग वगैरह है, ये टेढ़ा हो गया, ऊपर से कट रहा है साइड में और आपका नीचे से भी कट रहा है। तो इसको कैसे हम ठीक करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। और बैक साइड में जो इससे पहले भी हम रीडिंग निकाल चुका है, उसमें भी सेम इशू है। इसमें तो पूरा कट गया है लाइनिंग, और ऊपर से भी कट गया है, नीचे से भी जो कट गया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम ट्रे को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो एडजस्टर रहता है उसके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को बाहर निकालेंगे, आपको क्लियरली दिखाएंगे हम कैसे सेट किया जाता है ट्रे को। ये जो इसको सेट करेंगे अपने हिसाब से, सबसे पहले ये बीच में रहता है और दोनों तरफ से एकदम होम पोजीशन में रहता है। जो ट्रे का लॉक रहता है एकदम होम पोजीशन में रहता है, उसको होम पोजीशन में सेट करके अपने हिसाब से पेपर डाल के उसमें एक बराबर सेट करना होता है। अगर इसमें एक भी इंच आगे पीछे रहेगा तो पेपर में जो मैटर प्रिंट होता है वो कट के आएगा। तो सबसे पहले हम वहां में चेक करेंगे। और दूसरा है जो रजिस्ट्रेशन रोलर रहता है, जो उसका बुश, ये जो व्हाइट कलर का बुश दिख रहा है, वो बुश को अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक बुश है, ये बहुत जल्दी कट जाता है और ये कम से कम 2 लाख 2.5 लाख यूज होने के बाद ये कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके बाद नीचे जो एक रोलर और भी है, उसमें भी सेम बुश लगा है, जो स्प्रिंग के ऊपर टिका है वो बुश सेम ऊपर जो ट्रांसफर रोलर का है उसमें भी जैसा कट जाता है, सेम इसमें भी कटता है। और इसके कटने से भी प्रिंट का अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे ओपन करके, और अगर बुश कटा रहेगा तो चेंज कर देंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम बुश को चेंज कर दिए हैं और एक काउंटर पेज निकाल को चेक कर लेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम काउंटर पेज निकालेंगे और ओके करेंगे और प्रिंट करेंगे, एस कर देंगे। और यहाँ देखिए मेरा काउंटर पेज बाहर आ रहा है, ये मेरा काउंटर पेज बाहर आ गया। और हम पहले वाले काउंटर पेज से अब मैच करेंगे कि पहले और अब में इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए पहले ऊपर में मार्जिन कट जा रहा था, साइड में कट जा रहा था, अभी ये परमानेंटली ठीक हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।